गुड इवनिंग एवरी वन वेलकम बैक टू योर चैनल एस इंग्लिश मेरा नाम है उदिशा और एक बार फिर से आ चुकी हूँ आपके सामने लेकर के आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लास आपकी जो स्पोकन इंग्लिश सीरीज चल रही है डेली शाम सात बजे आपको एक वीडियो मिलता है स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड जिसमें हम ग्रामर भी पढ़ चुके हैं वोकैबलरी भी कर रहे हैं सेंटेंसेस भी सीख रहे हैं तो जितने भी लोगों का ये रिक्वायरमेंट है कि हमें स्पोकन इंग्लिश सिर्फ यूट्यूब से पढ़नी है उनके लिए भी यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बढ़ते हैं आगे और आज बात करते हैं फ्रेजल वर्ब के बारे में देखो हम बहुत बार इन शब्दों को यूज करते हैं इन पेयर्स को यूज करते हैं लेकिन बात आती है जब ये बताने की कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है मैम सीधे वर्ब पढ़ाओ ना गो कम सिट एटसेट्रा लेकिन बच्चे जैसे तुम्हें पता होगा कि गेटअप का क्या मीनिंग होता है अप का मीनिंग होता है खड़े हो जाओ है ना अब लेकिन अगर तुम ये दो वर्ड्स को अलग अलग देखोगे तो एक तो एक एक्शन है यानी कि क्या है वर्ब है और दूसरा क्या है एक प्रेपोजिशन है तो गेट यहां पर जो वर्ब का, का काम कर रहा है उसको हमने एक तरफ देखा जिसका मतलब होता है प्राप्त करना राइट आई गेट यू या आई गेट माई मनी फ्रॉम माई पेरेंट्स मैं अपने पैसे अपने पेरेंट्स से प्राप्त करती हूं तो गेट अप का मतलब होता है ऊपर तो प्राप्त करो ऊपर अगर अलग अलग देखोगे तो इसका मीनिंग कुछ बहुत ही अजीब सा है लेकिन जब तुम इसको एक साथ पढ़ते हो तो इसका मतलब होता है कि खड़े हो जाओ स्टैंड so जो प्रपोजिशन और वर्ब का एक कॉम्बिनेशन होता है और एक यूनिट एक इकाई की तरह काम करता है उसी को हम लोग कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स और इसी तरह के बहुत सारे पेयर हमारे पास होते हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी बातों को बहुत सिंप्लीफाई करके रख देते हैं और आज बड़े ही मजेदार फ्रेजल वर्ब्स यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे और जल्दी सीखेंगे क्योंकि बोर तो हमें करना ही नहीं है आपको भाई ऑल्सो यार देखो ये बताना जरूरी है आप लोगों का कल की बात आज से जो है क्या हो रहा है अम्म uh, सॉरी आई मीन टू से 18 तारीख से शुरू हो चुका है तो 18 तारीख से बैच जो शुरू हुआ है इसमें आपको कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस ग्रामर प्रोनाउंसिएशन फ्लुएंसी वोकेबुलरी स्पीकिंग प्रैक्टिस सब कुछ मिल रहा है ये वो बैच है कल की नाम है इसका लेकिन अगर आप अभी एडमिशन ले लोगे इस बैच में तो बस आज लास्ट डे ऑफ ऑफर है आपको ये और ये ये और दोनों प्लस हो करके इसमें मिल रहे हैं याद रखना सभी लोग यानी कि इंटरव्यू प्रिपरेशन के पांच घंटे की लाइव क्लास और तीन घंटे रिकॉर्डेड दो घंटे लाइव पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो तुम्हारे क्वेश्चंस होते हैं ना कि इंटरव्यू में हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए कैसी टोन होनी चाहिए फेशियल एक्सप्रेशंस ग्रूमिंग हेयर स्टाइल कपड़े एक्सेट्रा ये सबके जो डाउट्स हैं वो सारी चीजें हम इन दोनों के माध्यम से आपको फ्री दे रहे हैं पेमेंट आप सिर्फ इस बैच के लिए कर रहे हो और वो क्या है प्राइस फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी टू रुपीज ओनली तो इस बैच में एडमिशन लेने के लिए कोड याद रखो वाई वन सिक्स नाइन और ये तुम्हारा फाइनल प्राइस मिलेगा अभी एक और बड़ी खबर बड़ा अनाउंसमेंट सुनाऊंगी तो वो लास्ट में बताऊंगी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहला अपना फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब है उड़ना या फिर उतारना टेक ऑफ अब मान लो तुमने कोई आ, हाँ तुमने कोई शर्ट पहनी है और उस पे किसी से पानी गिर जाता है तो वो क्या बोलेगा अरे टेक ऑफ दैट शर्ट ये वो शर्ट उतार दो दूसरा पहन लो तो उतारना कपड़े उतारने के लिए टेक ऑफ बोला जाता है लेकिन जब एक हवाई जहाज जमीन से आसमान की तरफ उड़ता है तो क्या बोलते हैं उड़ गया जमीन से अलग हो गया ध्यान से देखो टेक ऑफ अब यहां पर तुम्हें तो पूरा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि माई प्लेन हैज लेफ्ट द लैंड एंड इज मूविंग टवर्ड द स्काई आपको सिर्फ कहना होगा माई प्लेन हैज टेकन ऑफ यानी मेरा जहाज उड़ चुका है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की शी टुक ऑफ हर शूज बिफोर एंट्रिंग द हाउस तो जैसे मैंने कहा कपड़े उतारने के लिए आप टेक ऑफ यूज करते हैं वैसे ही शूज को उतारने के लिए स्लीपर्स को उतारने के लिए यानी जूते चप्पल निकालने के लिए भी हम यूज करते हैं अपना फ्रेजल टेक ऑफ ऑफ टेक ऑफ में डबल एफ है ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट देखिए लुक फॉरवर्ड टू किसी चीज का बेसब्री से इंतजार करना बेसब्री से इंतजार करना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं लुक फॉरवर्ड टू बोलते हैं सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग माई स्टूडेंट्स मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ कि कब मैं अपने स्टूडेंट से मिलूंगी तो इसका एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सींग यू अगेन एक बात का ध्यान देना सींग जो यहां लिखा है इसका मतलब ही होता है मीटिंग क्योंकि अगर तुम कभी सी वर्ड देखते हो तो इसका मतलब हो गया देखना लेकिन जैसे ही तुमने इसमें आई एन जी लगा दिया ये देखना नहीं रह जाता ये मीटिंग हो जाता है ठीक है क्योंकि देखने वाला जो सी है उसमें कभी भी आई एन जी नहीं लगेगा तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू अगेन नेक्स्ट वीक मैं एक बार फिर से तुमसे मिलने के लिए अगले हफ्ते बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूं नेक्स्ट टर्न डाउन यानी कम करना या अस्वीकार करना अच्छा वॉल्यूम कम कर दो किसी चीज़ की वॉल्यूम कम कर दो को कैसे बोलोगे रिड्यूस द वॉल्यूम डिक्रीज द वॉल्यूम वॉट ऐसा बोलना गलत है टर्न डाउन द वॉल्यूम लिटिल बेट आवाज़ थोड़ी कम कर दो या फिर किसी चीज़ को अस्वीकार कर दो मेरे पास तो गूगल से ऑफ़र आया था मैंने तो अस्वीकार कर दिया आई टर्न डाउन देयर ऑफर अस्वीकार करना एक्सेप्ट नहीं किया मैं गूगल में एक्चुअली काम नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं आता वो लोग जो करते हैं लेकिन उनका किचन जो कैफे है उसके लिए मैं काम कर सकती हूँ नेक्स्ट कैन यू टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑन द टीवी क्या तुम टीवी की आवाज थोड़ी कम कर सकते हो कैन यू टर्न डाउन सो टीवी की स्टीरियो की स्पीकर की आवाज कम करने के लिए आप यूज करेंगे टर्न डाउन ब्रेकअप टूट जाना या विच्छेद करना अलग कर देना तो यहां पर ब्रेकअप आप लोगों ने सुना होगा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का अक्सर इसी तरह से दे ब्रोकअप आफ्टर डेटिंग फॉर टू इयर्स दो साल तक एक रिश्ते में रहने के बाद उन्होंने ब्रेकअप कर लिया यानी अलग हो गए तो आपने क्या यूज किया ब्रेकअप ठीक है पास्ट टेंस में इसको ब्रोक अप लिखा है नेक्स्ट देखते हैं पुट ऑफ किसी चीज को टाल देना या विलंबित करना यानी उसमें डीले ले आना तो हम कैसे कहते हैं uh, बैड वेदर कंडीशन यानी कि मेरी जो एग्जामिनेशन डेट्स हैं उनको आगे के लिए टाल दिया गया है खिसका दिया गया है पर क्यों ऐसा किया गया है बैड वेदर कंडीशन खराब मौसम की वजह से सो वी है मीटिंग नेक्स्ट वीक हमें मीटिंग को अगले हफ्ते के लिए शिफ्ट करना पड़ा आगे देखते हैं गाइज नेक्स्ट फ्रेज कहता है गेट ओवर किसी समस्या से उबर जाना या आ, किसी परेशानी से को झेल कर ठीक हो जाना तो अब जैसे कई बार होता है कि बच्चों को कोई मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ या एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो बड़े परेशान होते हैं तो मैं क्या बोलती हूँ उनको कि बेटा गेट ओवर इट जो होना था वो हो गया है इससे आगे बढ़ो तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं गेट ओवर इट ठीक है एग्जाम्पल देखो इट टुक हंथ टू गेट ओवर ह ब्रेकअप कई बार लोगों का लड़ाई झगड़ा या जो संबंध विच्छेद होते हैं उनसे उबरने में कई वर्ष लग जाते हैं तो ये तो कुछ मंथ्स की ही बात कर रहे हैं सो so, उनको आ, महीने लग गए थे अपने ब्रेकअप से उबरने में तो उबरने के लिए आप यूज करिए गेट ओवर टर्न अप अनएक्सपेक्टेडली कहीं पर पहुंच जाना अनअपेक्षित रूप से जब आप कहीं पहुंच जाएंगे आ, या आप किसी को कहीं मिल जाएंगे तो वो पूछेगा अरे तुम यहां कैसे पहुंच गए हाउ डिड यू टर्न अपर है ना तो ये जो ये वाला सवाल होता है यहाँ कैसे पहुंच गए वैसे ही हाउ डिड यू टर्न एक्सपेक्टेड नहीं था तुम्हारा पहुंचना तुम्हारा वहां होना तो आप यूज करते हैं टर्न अप तो याद रखिएगा uh, मान लो अगर तुम्हें ऑन वन संडे आई अनएक्सपेक्टेडली टर्न एट माई फ्रेंड्स हाउस अनएक्सपेक्टेडली लगाना जरूरी नहीं है क्योंकि टर्न अप के अंदर ही अनएक्सपेक्टेडली छुपा हुआ है कि एक ऐसे ही एक रविवार को मेरा दिल किया तो मैं अचानक से अपने फ्रेंड के घर पहुंच गई अनपेक्षित रूप से चली गई आगे देखते हैं कैन यू टर्न अप द म्यूजिकल लिटिल तुम आवाज थोड़ी सी बढ़ा सकते हो तो बढ़ा देने के लिए टर्न अप और कम करने के लिए टर्न डाउन का यूज शुरू करो टर्न डाउन का एक और अर्थ होता है मना करना और टर्न अप का एक और अर्थ होता है अनपेक्षित रूप से पहुंचना अनएक्सपेक्टेडली पहुंचना नाउ रन आउट किसी चीज को जब यूज कर करके हम खत्म कर देते हैं तो हम कहते हैं वी हैव रन आउट ऑफ इट यानी घर में चीनी आई अब वो भाई एक महीना यूज हुई फिर खत्म हो गई कितने दिन यूज होती है खत्म तो होती ही है ना तो हम कहते हैं वी हैव रन आउट ऑफ शुगर सो वी कैन नॉट मेक टी यानी हमारे घर में चीनी खत्म हो गई हम चाय नहीं बना सकते हैं अब लोग कहेंगे मैडम बिना चीनी की चाय पिया करिए देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं मैं बिना दूध की और बिना चीनी की चाय पीती हूँ काली चाय और बहुत टेस्टी होती है अगर किसी को ये लग रहा है कि जो नींबू की चाय होती है वो किसी भी चाय से खराब होती है तो यू आर क्रेजी आप ट्राई करके देखो जबरदस्त सुबह दिमाग ठीक हो जाता है यार सुनने में आया है कि काली चाय से स्किन और बाल भी अच्छे होते हैं तो ट्राई करना जरा इसको सो वी रन आउट ऑफ मिल्क हमारे घर में दूध खत्म हो गया था सो आई कुडेंट हैव सीरियल फॉर ब्रेकफास्ट तो बेचारा नाश्ते में वो सीरियल नहीं खा पाया सीरियल समझते हो जैसे कॉर्नफ्लेक्स या दलिया ये सब खाते हो उसको सीरियल बोला जाता है नेक्स्ट है कॉल ऑफ किसी चीज को रद्द कर देना आई एम कॉलिंग ऑफ दिस बैच मैं ये बैच ही रद्द कर रही हूं हुलिया होगा तुमने एडमिशन हजारों लोगों ने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा मैं नहीं कर रही हूं ये तो बस एक नाटक था तो जब आप किसी चीज को रद्द करना चाहते हैं <clears throat> आप यूज करते हैं अपना फ्रेज कॉल ऑफ दे कॉल्ड ऑफ द मीटिंग ड्यू टू बैड वेदर उन्होंने बुरे मौसम की वजह से मीटिंग को रद्द कर दिया आगे देखते हैं मित्रों कम अक्रॉस अचानक मिलना किसी का अचानक से मिलना किसी से भेंट हो जाना तो हम कहते हैं कि uh, I went to the mall yesterday and I came across your brother. मैं मॉल गई थी कल और अचानक से मुझे तुम्हारा भाई मिला वहाँ So I came across your brother. ठीक है तो यहाँ पर अचानक से मिलना अब ये भी बोल सकते हो कि I was uh, क्लीनिंग माई मॉम्स वॉर्ड्रोब एंड आई केम अक्रॉस सम ओल्ड ज्वेलरी मैं अपनी ममा की अलमारी साफ कर रही थी और मुझे कुछ पुरानी ज्वेलरी मिली उसमें तो यहाँ पर आई केम अक्रॉस एन इंटरेस्टिंग बुक एट द लाइब्रेरी मुझे लाइब्रेरी में अचानक से काफ़ी इंटरेस्टिंग सी किताब मिली ये जितने फ्रेजेज मैंने सिखाए हैं पहले आप इनको आज से यूज़ करो आप कहते हो ना यूट्यूब पे पढ़ाओ यूट्यूब पे पढ़ाओ देखो मैं पढ़ा रही हूँ बट आप अगर इन्हें अच्छे से बोलोगे नहीं कम से कम अगले चौबीस घंटे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो देखो फिर सीख भी नहीं पाओगे तो कोशिश करो कि आप इनको सीखो प्रैक्टिस करो बोलो और फिर बोलो कि हाँ दिला शुरू हुआ है और अभी ज्यादा कुछ नहीं छूटा है क्योंकि डेमो क्लास भी चली थी हमारी जिन लोगों ने हमारा डेमो लेक्चर नहीं देखा है वो इसी वीडियो सीरीज में कल का क्लास देख लेना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना मजा आने वाला है तुम्हारा अरे um... अ कल की बैच के अंदर 50 आवर्स से ज्यादा की क्लासेस मैं आपको दे रही हूं बेटा आपका पूरा स्पोकन इंग्लिश हम लोग इसमें काम करेंगे जिसको हम सुधारने की कोशिश और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे और अगर आप आज इसमें एडमिशन ले लोगे तो लास्ट डे ऑफ द ऑफर चल रहा है आपको इस बैच के साथ ये दस घंटे के दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं पाँच घंटे का आपका लाइव इंटरव्यू प्रिपरेशन इंटरव्यू में कैसे बोलें कैसे बैठें किस तरह से सवालों का जवाब दें क्या सही शब्द होते हैं क्या सही आंसर होते हैं कितने क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा सकते हैं ये सब हम डिस्कस करेंगे वो भी लाइव जुड़ करके और जो बच्चे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की हमारी आ, क्लास लेंगे उनको तीन घंटे रिकॉर्डेड क्लासेस और दो घंटे लाइव क्लासेस मिलेंगी इसमें हम बात करेंगे आपकी बॉडी लैंग्वेज पर आपकी टर्नैलिटी पर आपके फेशियल एक्सप्रेशंस पर आपकी स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग पर आपके उठने बैठने पर हर चीज़ पे जो कि आपकी पर्सनालिटी को और मजबूत बनाती है तो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ फाइव हंड्रेड में मिल रही हैं और आपका कोड है वाई एक जो सबसे ज़रूरी अनाउंसमेंट मुझे करना है वो ये है कि अभी फ़िलहाल आप लोगों को अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम पर जाके एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर मिल रहा है यहां पे आप लोगों को वैलिडिटी लोएस्ट प्राइस और सब कुछ एक जगह मिल जाता है लेकिन इस बार हम इसको लेकर के आए हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश बैच में भी तो यहाँ सारे एग्जाम्स के नाम लिखे हैं स्किल डेवलपमेंट में जाओ और स्पोकन इंग्लिश पर क्लिक करो और देखो तुम्हें कितने बैचेस दिखते हैं ना मेरा स्पीक इजी दिख रहा है एक्सलेंस दिख रहा है नंदिनी मैम का फ्लुएंसी फर्स्ट है यहां दिख रहा है तुम्हें गोल्ड पैक और देखो इसके साथ साथ ये मॉक टेस्ट है तुम्हारे स्पोकन इंग्लिश का और ये तुम्हारा कल की नया वाला बैच है ये सारी चीजें मतलब वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है ये पांच चीजें तुम्हें सीधे के सीधे हमारे गोल्ड पैक में मिल रही हैं। गोल्ड पैक में इसको हटा दो अभी आठ हजार रुपए दिख रहा है व्यू ऑफर पे क्लिक करो जो पहले कोड लगा रहेगा उसको हटा देना फिर व्यू ऑफर पे क्लिक करना कूपन कोड में जाकर के लिखना वाई वन सिक्स नाइन और अप्लाई कर देना और अब ये तुम्हें सिर्फ उन्नीस रुपए का मिल रहा है छे महीने इसकी वैलिडिटी रहेगी और कल की बैच स्पीक इजी बैच एक्सिलेंस बैच नंदिनी मैम का बैच ये सारी चीजें मॉक टेस्ट हर चीज तुम्हें एक ही जगह पर मिल जाएगी तो उन्नीस यानी दो हजार रुपए में पांच बैचेस तो लगभग हर बैच का सिर्फ फाइव हंड्रेड रुपीज आप दे रहे हो तो जिसको एक्सीलेंस के बारे में नहीं पता वो मेरा कंप्लीट ग्रामर का बैच है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह के लिए भी मैंने पढ़ाया है उसमें वो भी रिकॉर्डेड बैच ही है आपको इसमें सारी चीजें

तीन चीजें मिल रही हैं और अगर तुम्हें सब कुछ चाहिए तो भाई तुम फिर ले लो अपना गोल्ड पैक यहाँ पे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा स्पोकन इंग्लिश और मेरे बैचेस से रिलेटेड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास अपना बहुत ध्यान रखना मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास लेकर के कल चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक कर दो ऑल द वेरी बेस्ट